किशन भरवाड नु हत्या ने लईने आरोपी ने कड़क में कड़क सजा मळे तेना समर्थन में आज रोज पलसाणा तालुकाना मालधारी तेमज अन्य हिंदू संगठनोए रेली योजी मामलतदार ने आवेदन पत्र पाठव्यु हतु। अमदावादना धंधुका खाते एक मालधारी युवान नी गोली मारी हत्या करवामां आवी हती। त्यारे आ मामले समग्र गुजरात में विविध हिंदू संगठनों में आक्रोश जोवा मळी रह्यो छे। त्यारे हत्याना मामलाने लईने सूरत जिल्लाना कड़ोदरा खाते विविध हिंदू संगठनोए बहोळी संख्यामां एकठा थया हता अने कड़ोदराथी पलसाणा सुधी रेली काढी किशन भरवाडना हत्यारोने त्वरित कड़कमां कड़क सजा मळे ते अंगे मामलतदारने आवेदन पत्र पाठव्यु हतुं। आ युवानने हत्यारा करनाराओनी धरपकड़ करी फास्ट ट्रेक कोर्टमां केस चलावी फांसीनी सजा आपवा मांग करवामां आवी छे। तो बीजी तरफ बहोळी संख्यामां लोको एकठा थता पोलीसे रेलीने रोकवानी फरज पाडी हती। रेली रोकता ज उग्र घर्षण न थाय ते ध्यानमां राखी मालधारी तेमज अन्य हिंदू संगठनना आगेवानोए पोलीसने अपील करता आखरे रेली पलसाणा चौकड़ी सुधी ज पोलीसे रेलीनी परवानगी आपी हती। तेमज अन्य आगेवानो द्वारा मामलतदारने आवेदन पत्र पाठवामां आव्युं हतुं। अमदावाद जिल्लाना धंधुका खाते सोशल मीडियामां पोस्ट मुकवाने लई बे अजाण्या ईसमोए किशन शिवा बोड़ियानी गोळी मारी हत्या करी हती जे बाद फरार थई गया हता। हिंदू युवानी हत्याने पगले सूरत सहितना अनेक जिल्लाओ सहित समग्र राज्यमां भारे पड़घा पड़्या छे। राज्यभरमां विविध हिंदू संगठनो द्वारा विरोध नोंधावा साथे आरोपीनी धरपकड करी फास्ट ट्रेक कोर्टमां केस चलावी फांसीनी सजा आपवा मांग साथे आवेदन पत्र पाठवामां आवी रह्या छे। આટલું જ આવેદન આપવા માટે આવ્યા છો, કેટલા વ્યક્તિઓ છો અને કેટલા સંગઠન સાથે? અમે 15 વ્યક્તિઓ છે અને પલસાણા તાલુકા હિન્દુ સમાજના બધા જ સંગઠનો મળીને આપણે મામલતદારશ્રીને આવેદન આપ્યું છે અને આરોપીને કડકમાં કડક સજા થાય અમે પ્રાર્થના એ કરી છે। આ માંગણી એવું છે कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से हिंदू समाज के ऊपर में विद्रोहियों ने अपना रास्ता खोल लिया है। रास्ते खोलते खोलते बड़े रास्ते पकड़ने लग गए हैं। अब हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो अहमदाबाद के अंदर में जो घटना घटी है, हमारे किशन भाई भरवाड़ हिंदू समाज का एक ऐसा सर्व समाजक जो आगे बढ़ने की ताकत दिखा रहा था, उसको आवाज चुप करने की जो ताकत दिखाई गई है, उसके लिए पलसाणा तालुका हिंदू सर्व समाज सर्व संगठन यहाँ आके फास्ट ट्रैक की मांग कर रहे हैं। और जिसने ये काम किया है उसको फांसी दो, फांसी नहीं तो सीधा उसको जैसा गोली का जवाब गोली से दिया जाए, उसके सिवाय कुछ मांग नहीं है। अब हमने बहुत सुन लिया, बहुत सहन लिया। हिंदू धर्म के ऊपर में बार बार ये विद्रोही आके हमारे ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं। ये रास्ता खोलना बंद कर दे और कान खोल के सुन ले। आपकी सोशल मीडिया के द्वारा सबको बोल रहा हूँ, जिसकी हिम्मत हो एक मरेगा सो हिंदू जन्मेगा, ये चीज ध्यान रख के आगे काम करे, कान खोल के सुन ले। अब सरकार को सुनना पड़ेगा और सरकार के साथ में विद्रोहियों को भी सुनना पड़ेगा। तुम्हारे बाप जग चुके हैं। आज रोज मोटी संख्या में मालधारी युवानों सहित विविध हिंदू संगठनों एकटा थया हता तो साथो साथ पलसाण तालुकाना गंगाधरा गामना मालधारी समाज तेमज अन्य हिंदू संगठनों द्वारा पण रेली काढवामां आवी हती। જ્યાં પણ પોલીસ દ્વારા તેઓની રેલી રોકવાની ફરજ પડી હતી, પરંતુ ત્યાં પણ માલધારી સમાજ દ્વારા અપીલ કરતા આખરે અમુક જ આગેવાનોને આવેદન આપવા માટેની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી, જેથી ગંગાધરા માલધારી આગેવાનોએ મામલતદાર કચેરી સાથે ખાતે પહોંચી આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું હતું અને હત્યારાઓની ધરપકડ કરી ત્વરિત ફાંસીના માછડે ચડાવી દેવાની માંગણી કરી છે। અક્ષય મકવાણા, ઇન્ટીવી ન્યૂઝ, પલસાણા।